देखो नाजरीन, ये दरगाह शरीफ है, ये वजू खाना है। लॉरी वाला जा रहा था, आपने मतलब उसको हाथ दिखा और मस्ती में कहा तेरे बोले उसमें बोले नमक नहीं है, मिश्री यानी शक्कर होती ना, उसकी करामत तो बहुत सी मैं सुना हूँ। मतलब एक वक्त सुना मैंने, एक बच्चा है पेशाब माँ आए थी लेके पेशाब कर दिया, आपने उसको इसी फटकार दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नसीम रजा कादरी, हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वक्त मैं हूँ एंटर ऑफ फिल्म की सरजमीन पर हज़रत शेख मुफ्ती शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। पूछते हैं क्या हज़रत कहाँ से आए थे, हज़रत की क्या करामात है, पूरी डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी। लास्ट तक बने रहिए, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दानिश भाई जी पूछते हैं हज़रत कहाँ से आए थे, हज़रत की क्या करामात है। हज़रत के खादी में हज़रत से पूछते हैं हज़रत कहाँ से आए थे, हज़रत की क्या करामात है, हज़रत का क्या नाम है, हज़रत के साथ कौन कौन आए थे, ये डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी। लास्ट तक बने रहिए। चलिए दानिश भाई बताओ कहाँ से आए थे। हज़रत आप तशरीफ लाए थे केसर से, इतना डेवलपमेंट इतना हुआ नहीं था, तो यहाँ पर नमक की खेती खाड़ी होती थी, खेती होती थी तो लौरिया जाया करती थी, तो आपकी बैठक थी, एक लौरी वाला जा रहा था, आपने मतलब उसको हाथ दिखा और मस्ती में कहा तेरे बोले उसमें बोले नमक नहीं है, मिश्री यानी शक्कर होती ना खड़ी वाली गुल मिश्री है, तो वो हंसने लगा और चले गया। बोले क्या हज़रत आप क्या बात कर रहे हो, चले गया। फिर वो जब गया ना वो गोडाउन में उसको बेचने के लिए, तो वो गया उसने कांटे वगैरह पे रखा, तो जब खोल के देखा तो बोले नमक नहीं शक्कर है। वो भी हैरान, वो एक नहीं पूरी ट्रक शक्कर से भरी हुई। तो उसके बाद आपका नाम भी पड़ गया मिश्री। और बोलते हजरत के इधर कोई शेर आता था, उसका क्या बात है। हाँ पहले ये जो वडाला नाम है ना, वडाला का नाम वडाला नहीं था, वागोला था पहले, तो मतलब इतना कुछ भी नहीं था, पहले गाली थी और पहाड़ था, वडाला स्टेशन है ना, वहाँ से निकले हुए ना, तो शेर आता था रात में ना, आते थे ना तो शेर के आगे रात में चमकती ना, तो आपकी मजार के पास में था तो लोग देखते थे, तो वहाँ से पड़ा वाघ यानी मराठी में शेर, डोला यानी हाथ, तो पड़ा वाघ डोला, तो उसी से नाम अभी चेंज करके वडाला रख दिया था। तो आपसे वडाला स्टेशन से इतना मतलब डेवलपमेंट था नहीं, तो वडाला स्टेशन देखते थे ना तो शेर दिखता था रात में, मजार क्या की जरूरत करता उसके आँख में चमकती, इसका नाम वाघ डोला था। बाबा जान के साथ कौन कौन आए थे। बाबा जान के साथ में आए थे महमूद शाह सरकार और मेहमू शाह सरकार। जी इनका ताल्लुक अशरफ के सिलसिले से, और आपका जलाल बहुत था और आपके साथ में आए, बाबा जान के साथ में आपकी खाती। इनका नाम किसी को भी हकीकी तौर पे किसी को कुछ मानना नहीं मानते, जो लोगों ने वो टाइम पर अपने करामत वगैरह देखा है उनसे आपका नाम रख दिया, आपका हिस्सा है तो उनसे रिलेटेड आपका नाम रख के रख दिया। ये भी बाबा जान के साथ आते हैं। हाँ चारों जी कारण बाबा जान के साथ में आते हैं, वो आपके काफी में ये मलंगा सरकार है। हाँ ये आपके मलंगा बाबा जान सरकार के काफी हजरत बलंग शाह बाबा करामत
की करामत तो बहुत सी मैं सुना हूँ, मतलब एक वक्त सुना मैंने कि बच्चा है पेशाब मंगाए थे लेके पेशाब कर दिया, आपने उसको ऐसी फटकार दी, आपका जलाल बहुत था आपकी जलाल की किस्से ऐसे ना लोग बयान करते, इतना जलाल इतना औरतें डरती थी आने के लिए, इतना खौफ कर लिया, इतना जलाल था कि औरतें अंदर आके रखती थी, अभी मतलब आप थोड़े ठंडे हो गए, मिश्री करें ठंडा करके आप ठंडे हो गए। ये चरा किसका है? इनका ही बाबा का चरा है। अरे ये मुजाव लोग के खानदान से, मुजाव लोग तकरीबन 350-350 साल से खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, इन लोग की खानदान का है। अच्छा, लोग में भी सेलेक्टिवली जिसको लोग चाहते थे उनको दफना दे पाते, जिसको लोग दफना मुजाव लोगों की मगरिब की अजान से, अजान के बाद में बचता है, और मगरिब की अजान से कबल 10-15 मिनट पहले आपका लोबान भी होता है, मगरिब की अजान से कबल, और मगरिब की अजान के बाद नगाड़ा बजाया जाता है। किसने बजाया जाता है? वही है अजान होती तो वही एहतमाम भी नहीं होता। तो पब्लिक जो आती है वो झूमने भी लगते हैं, तो पब्लिक आती मतलब घूमने लगते हैं लोग, लेकिन अल्लाह बेहतर जाने, कोई कहता है किसी को हाजिरी आती है, कोई कहता है कुछ, कोई पता किसी के हम लोग पूरी बताए हैं, बाबा के बाबा की फटकार पड़ रही है, तो अलग अलग बहुत सी सब अलग अलग बातें बोलते, तो आलिम से बोले पता करके तो उसकी बात करते हैं। अब कोई नौटंकी भी करता है, कोई नहीं सकते, किसी को हाजिरी आती किसी के आग में रहता है, कोई नौटंकी करता है, दिखा नहीं सकते आलिम बेहतर बताएंगे। नाजरीन, ये दरगाह शरीफ है, ये वजू खाना है, ये भी वजू खाना है, ये हज़रत का रोज़ा है मुबारक है, इनका नाम है हज़रत शेख मिस्री शाह रहमतुल्लाह अलैह, इस सरकार का रोज़ा है मुबारक है। ये हज़रत का लंगाड़ा है, ये हज़रत के साथ आए थे, ये शेख मिस्री शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार के साथ आए थे मिस्र से, ये भी सरकार के साथ आए थे मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये वो भी सरकार के साथ आए थे। ये भी सरकार के साथ है हज़रत का घूमर, हज़रत की भी बहुत करामात है। ये भी दरगाह शरीफ है, ये भी हज़रत के साथ, हज़रत के खादिम है, ये भी हज़रत के साथ आए थे, काम चालू है इसलिए मजाक ढकी हुई है, आप आएंगे तो जब तक काम हो जाएगा। ये मस्जिद है जो बन रही है, मस्जिद है, काम चालू है। चलिए आपको अब मस्जिद दिखाता हूँ, मस्जिद की सीढ़ी है, ये देखिए ये सरकार की मस्जिद है, यहाँ आप आए तो नमाज 2 रकात नमाज ज़रूर पढ़ के जाएँ। ये हज़रत शेख मिस्री शाह रहमतुल्लाह अलैह का गुम्बद शरीफ है, देखो देखो बहुत बेहतरीन मस्जिद है, काम चालू है अभी, बहुत बेहतरीन इसको किया जा रहा है, आप आए तो ज़रूर इधर 2 रकात नमाज पढ़ कर जाएँ। चलिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हो गई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, अगर मुझे अपने इधर बुलाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।